बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने बनाया है सॉल्टेड कैरमल पॉपकॉर्न। सॉल्टेड कैरमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। मकई के दाने लेंगे 1 कप। आपको जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से लें। नमक 1/2 चम्मच, कुकिंग ऑयल 4 चम्मच, चीनी 1/2 कप। मैं ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप रेगुलर शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर 2 चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, वनीला एसेंस लेंगे 1/2 चम्मच। अब बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक खुला बर्तन लें, इसमें 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दें। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मकई के दाने डाल दें। इसे ऑयल में अच्छे से मिक्स कर दें। फ्लेम को तेज ही रखें। अब इसे ऊपर से कवर कर देंगे और पॉपकॉर्न तैयार हो जाएंगे। थोड़ा सा इन्हें हिला लेंगे। देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं, पॉपकॉर्न अच्छे से तैयार हैं। इन्हें निकाल लेंगे और कैरामल सॉस तैयार कर लेंगे। एक बर्तन लेंगे, इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी को पिघला लेंगे। चीनी मेल्ट हो गई है, अब इसमें मक्खन डाल देंगे। सभी पिघला लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर रखेंगे। अब हम इसमें नमक डाल देंगे, बेकिंग सोडा, वनीला एक्सट्रैक्ट, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और जो पॉपकॉर्न बनाए हैं वो इसमें डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इन्हें ठंडा होने देंगे, उसके बाद डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉल्टेड कैरामल पॉपकॉर्न तैयार हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।